साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 19 से बीजेपी नेता बाली पंडित चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। बाली पंडित कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके सुखबीर कटारिया के गढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। बाली पंडित की माने तो वार्ड 19 में समस्याओं का अंबार है, लेकिन यहां समस्या सुनने वाला कोई नहीं। बाली पंडित की माने तो उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में 2014 में भाजपा ज्वाइन की थी और आज भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में बाली पंडित बीजेपी से टिकट लेकर वार्ड 19 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाली पंडित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा ने। आप भी सुनिए कि बाली पंडित ने चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा। आज हमारे बीच में है मुकेश शर्मा उप बाली पंडित, वार्ड नंबर 19 से गुरुग्राम से पार्षद की दावेदारी ठोक चुके हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। मुकेश जी नमस्कार जी, ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप 19 नंबर वार्ड से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं पार्षद की, क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट देगी? देखिए 19 नंबर जो वार्ड है उसमें मेरा गुड़गांव गांव आता है, मेरी मातृभूमि, मेरा पैतृक गांव है और उसके साथ जो एरिया जुड़ा हुआ है मियाँ वाली कॉलोनी जो गुड़गांव की सबसे पहली कॉलोनी रही वो जुड़ी हुई है। उसके बाद लाजपत नगर, आदर्श नगर उसी के हिस्से हैं, वहाँ भी मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवार के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ये सारा एरिया हमारा परिवार की तरह है। और मेरी उम्र 51-52 साल होगी और पिछले 25 साल से मैं राजनीति में एक्टिव रहा हूँ, तो मैंने कितनी बार यहाँ पे डोर टू डोर किया हुआ है, हर घर मेरी जान पहचान है और हर घर में मुझे प्यार मान सम्मान मिलता रहता है। और इसीलिए मैं 2014 में मेरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी होते थे, तो उनकी अगुवाई में मैंने, उनके सामने उनकी उपस्थिति में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। और उसके बाद लगातार चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहे हों, चाहे वो नगर निगम के चुनाव रहे हों, चाहे बाहर दिल्ली में चुनाव हो रहे हों या राजस्थान में चुनाव हो रहे हों, हर चुनाव में मैंने एक्टिव रोल निभाया है और पार्टी के लिए हमेशा पूरा जैसे पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया उसी हिसाब से मैं काम करता रहता हूँ। और आज मेरे पास जो पार्टी का दायित्व है, कर्मचारी प्रकोष्ठ से मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और एक और संगठन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, भारत रक्षा मंच है, उसका भी मैं गुड़गांव से जिला अध्यक्ष हूँ। और जो भी मेरे को दायित्व मिलता है मैं उसके तहत मैं अपना काम करता रहता हूँ और हमेशा से जनता में जुड़ा रहता हूँ और जनता से मेल मिलाप रहता है। ये पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का गढ़ है। हाँ जी, लगता नहीं आप कुछ कठिनाइयाँ आएंगी सामने? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो भी गुड़गांव गांव से हैं, हम भी गुड़गांव गांव से, हमारे भाई हैं वो, ऐसी बात नहीं है, उनका मान सम्मान है। वो 2009 में मंत्री बने थे और अभी वो अपने बेटे को शायद चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी उनका भी गांव है और हमारा भी गांव है, कोई ऐसा गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा भी तो गढ़ वही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वार्डवासियों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए सबसे पहले जीतते ही, अगर जीतते हैं, जीतते तो पहले पार्टी जो हमें टिकट देगी उस पर विश्वास है, क्योंकि पार्टी देखिए ये सबसे निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, उसको भी हमारी बीजेपी पार्टी आगे तक पहुंचाती है, क्योंकि पार्टी को काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है पार्टी पे और पार्टी जिस तरह से काम ऐसे लोगों को चुनती है, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस पार्टी में मेरे को इस बार टिकट मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। और वार्ड की समस्याएं हैं बहुत से, पानी की, जल भराव की, देखिए वार्ड की समस्याएं मैं समझता हूँ। आज जो है ना घर से निकलते ही कोई ना कोई समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जैसे सीवर सिस्टम खराब होया पड़ा है और पानी का सिस्टम है, पानी नहीं सप्लाई हो रहा है, या बिजली के तारों का सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है, खंभों का सिस्टम है, तो ये कॉलोनियाँ अब पुरानी कटी हुई कॉलोनियाँ, अब ये महानगर का रूप गुड़गांव ने ले लिया, तो उसमें जो सीवर सिस्टम है या कुछ और सिस्टम है उसमें बहुत चेंजिंग का कार्यक्रम होना चाहिए, या फिर रूटीन में उसका सिस्टम को सुधारने में हमें टाइम लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनसे ऊपर उठ के भी बहुत सारे काम होते हैं जो अपने वार्ड की सुंदरता के लिए, अपने वार्ड के अच्छाई के लिए हम काम कर सकते हैं। आज
ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं जो है उनमें हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। ये गुड़गांव महानगर जब से बना है यहाँ पे सांस लेने में कितनी दिक्कतें आती हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है, और उसके सुधार के लिए एक ही वो उपाय होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। या लोग बेरोजगार हैं या गरीब परिवारों के लोग अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे, उसके लिए मैं पूरी तन मन धन से जितना लीन हो सकता हूँ उसी हिसाब से काम करूँगा। ये मेरे पूरे वार्ड वासियों को विश्वास है कि यदि बाली पंडित अगर वहाँ जीतता है तो एक अलग वहाँ का रुख होगा और अलग ही उसका आकार होगा हमारे वार्ड का। नशा को लेकर आपको क्या कहना है? आजकल नशा बहुत बढ़ रहा है। देखिए नशे का भी जो चलन चल रहा है उस पे भी उसमें जागरूकता ही उसको रोक सकती है। हमें युवाओं को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और हमारे पड़ोस में जो राज्य है पंजाब, वहाँ पे नशे से जितना नशे का सिस्टम चल रहा है, कारोबार हो रहा है। हमारे नज़दीक जो ज़िले पड़ते हैं हरियाणा में, वहाँ पे भी हम सुनते हैं देखते हैं न्यूज़ में, वहाँ पे भी उसका प्रभाव है, लेकिन गुड़गांव में उसका प्रभाव इतना है नहीं। और अगर जो थोड़ा बहुत है तो हम लोगों को युवाओं को समझाएंगे और उनको अच्छे कार्य में लगाएंगे। अगर कोई युवा खाली बैठेगा तो वो फिर कहाँ जाएगा? वो फिर उसका दिमाग नशे की तरफ जाता है, और नशे में लीन होकर फिर वो बुराइयों की तरफ जाता है, और समाज में फिर बुराइयाँ फैलती हैं। 19 नंबर वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 19 नंबर वार्ड के वासियों से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये कभी कभी मौका मिलता है जो चुनावों का, तो उसमें हमें जागरूक होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके किसी भी तरह से 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हो, और किसी भी समस्याओं को, आपकी आवाज़ को उठाने के लिए छोटी पंचायत से लेके बड़ी पंचायत से, और वो आवाज़ को विधानसभा और मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाने में काबिलियत रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। द ग्राउंड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।